हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर आज हम देखने वाले हैं बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के बारे में। तो इसको हम बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था उसके नाम से हिसाब से उसको बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर कहा जाता है। अब इसका फंक्शन कैसा है पहले तो देखते हैं, इसको बॉयलर किस तरीके का बॉयलर है। ये जो ड्रम जो दिख रहे हो वो हॉरिजॉन्टल है वाटर का, इसके लिए उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बॉयलर। और इसकी जो ट्यूब है उसके अंदर से वाटर पास होता है और बाहर फ्लू गैसेस है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर बोलेंगे। तो पहले देखते हैं ये बॉयलर वर्क कैसे करेगा। तो बॉयलर के लिए आपको पहली चीज क्या चाहिए, उसके लिए आपको पहला चाहिए फर्नेस, जहां से हीट प्रोड्यूस होती है दोस्तों। तो यहां पे फर्नेस है उसकी, वहां से फ्लू जिस ग्रेट के ऊपर कंबशन होता है और यहां से फ्लू गैसेस क्रिएट होता है। अब देखिए ये फ्लू गैसेस को पाथ देने के लिए, फ्लू गैसेस यहां से डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते। यहां पे जो दिख रहा है ये बफेल प्लेट लगी हुई थी, जिसकी वजह फ्लू गैसेस कहां जाएंगे, यहां से ऊपर जाएंगे, फिर यहां से आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि यहां पे भी उसको बंद रास्ता बंद कर दिया है, और फिर यहां से फ्लू गैसेस यहां वापिस आएंगे, यहां से चिमनी में से बाहर निकल जाएंगे। और दूसरी चीज वाटर क्या है, तो दोस्तों वाटर का उसका नेचुरल सर्कुलेशन करने के लिए ये वाटर की जो ट्यूब है उसको इंक्लाइन किया हुआ है कुछ एंगल पे। तो पहले वाटर कहां पे आएगा, ये जो दिख रहा है उसको हम डाउन टेक हेडर बोलते हैं। ये डाउन टेक हेडर में वाटर ऊपर ड्रम में से नीचे आता है, फिर ये वाटर जो है वो यहां से फ्लू गैस है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, फिर उसकी क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी। और हम सबको पता है जो स्टीम होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से उसका उसका जो वेट है, तो वेट होता है वो कम होता है। तो स्टीम यहां से ऊपर जाएगी, फिर यहां से फिर से वापिस ये ड्रम के ऊपर के साइड स्टोर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों यहां पे ये जो सी आकार का आपको दिख रहा है वो क्या है, ये स्टीम को बाहर ले जाने से पहले हम उसको सुपर हीट करते हैं। तो उसके लिए स्टीम बाहर ले जाने से पहले स्टीम को वापिस यहां पे ये सुपर हीटर में लिया जाता है, और उसके बाद कहां उसको बाहर टर्बाइन के अंदर सप्लाई किया जाता है दोस्तों। तो ये था बॉयलर का, बैबकॉक विलकॉक बॉयलर का फंक्शन। उसका लाइन डायग्राम कैसे होता है वो भी हम देख ले। तो उसका लाइन डायग्राम जो आपको एग्जाम के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये उसका क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे एस पिट दिख रही है, यहाँ ग्रेट है, यहां से स्टॉकर है जहां से हम क्या कर सकते हैं कॉल को अंदर सप्लाई किया जाता है, ये फर्नेस है, फर्नेस में से यहां से जो फ्लू गैसेस का पाथ दिख रहा है आपको, ये जो डार्क किया हुआ है ना उसको हम बफेल प्लेट बोलते हैं, क्योंकि उसको रास्ता देने के लिए हमें फ्लू गैसेस को पाथ देने के लिए उसको हम बफेल प्लेट से उसको रास्ता देते हैं। फिर यहां से आपको चिमनी में से बाहर स्मोक बॉक्स में से बाहर चला जाएगा। ये जो है डाउन टेक हेडर है, ये जो साइड है उसको हम अपटेक हेडर बोलते हैं। ऊपर जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है उसको बॉयलर का वाटर का ड्रम बोलते हैं हम, ओके। और उसके ऊपर अलग अलग जो माउंटिंग है, जैसे कि सेफ्टी वाल ले लो, ओके, वाटर लेवल इंडिकेटर ले लो, प्रेशर गेज ले लो, ये सारे उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। और फ्यूजिबल प्लग जो है वो फ्यूजिबल प्लग भी उसकी जो ये जो ट्यूब है ये ट्यूब के ऊपर लगा हुआ होता है दोस्तों। तो ये था बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।